जी सो प्लीज टेल मी कि लास्ट क्लास में कहाँ तक मैंने आपको बजट का कराया था, लास्ट सो टॉपिक। सर, लास्ट क्लास में हमने डिसइन्वेस्टमेंट और स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट तक पढ़ा था. मतलब लास्ट हमने PSU और ये सब के बारे में पढ़ा था. ओके क्या मैं आपको बताऊँ? सर, हाँ, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर हो सर गया था सर. मतलब आई गेस कंप्लीट. सर अपने वो BPCL, एयर इंडिया, वो हाँ सब हाँ मतलब बोला करेक्ट, था स्ट्रेटेजिक ये सब पढ़ा रहे थे डिसइन्वेस्टमेंट के आप. लिए, IDBI का, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ कंटेनर रिकैपिटलाइजेशन ऑफ का। PSB, DIG, ऐसे कुछ करके ये सब. ओके, याद आ गया। सी इसमें है ना, ये सर, फाइल, आपकी आवाज़ थोड़ी कम आ रही है. सी इंफ्रास्ट्रक्चर मेन थीम था, और उस इंफ्रास्ट्रक्चर के थीम में वी वर डिस्कसिंग अबाउट फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंशियली गवर्नमेंट ने क्या किया है। तो हमने डिसइन्वेस्टमेंट के बारे में बात की थी, और स्ट्रेटेजिक वर्सेस नॉन स्ट्रेटेजिक के बारे में बात की थी, और गवर्नमेंट ने कुछ और गोल्ड एक्सचेंज एक स्टेब्लिश की थी, वो कराया था आपको। गोल्ड एक्सचेंज, यस सर, यस सर, यस सर. हाँ, कराया है. कस्टम ड्यूटी ऑन हाँ, गोल्ड कराया है. जो सेस लगाया ना सर, वो बोल रहे हो ना आप, कस्टम टैक्स. नहीं, हाँ 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 7.5 कर दिया 12.5 से, ऐसा वो वाला. शुरू तो सही है अभी, मतलब बेसिक फाउंडेशन में ही दिक्कत है बच्चों को। आई एम आस्किंग अबाउट कि गोल्ड एक्सचेंज स्टेब्लिश किया, गोल्ड एक्सचेंज हाँ, बच्चे पढ़ा फॉल है. गए टैक्स रेट पे, एंड सर, हैव स्टेब्लिश अ सेपरेट गोल्ड एक्सचेंज। चीजें हाँ बताई गोल्ड थी. एक्सचेंज, हाँ बोला है सर मतलब वो आपने, एक ही जगह लिखा रहता है ना, तो इसीलिए कंफ्यूजन हो वो जाता ही क्लियरिटी होनी चाहिए। है. हाँ सर, हुआ सर, गोल्ड एक्सचेंज हुआ था, कस्टम ड्यूटी 12.5% से 77.5% हो गया देखो था सर, उसका। मैंने कहा हाँ वही हुआ है. फिनेंशियल रिफॉर्म। सुनो पहले, देखिए पहले पहले एक एक होती है आपकी सिक्योरिटी, सिक्योरिटी और शेयर्स हम बोलते हैं, इन सब के लिए जो एक्सचेंज है वो है, एक्सचेंज है इन सबको, जहाँ पे ट्रेड होती है उन सबके लिए एक्सचेंजेस होती है, जैसे आपकी होगी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये एक्सचेंजेस है जहाँ पे ट्रेड होती है शेयर्स और सिक्योरिटी की। अब इन सभी एक्सचेंज को रेगुलेट करने वाली बॉडी है आपकी सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये सेबी एक एक्सचेंज नहीं है, इट इज अ रेगुलेटरी बॉडी। अगर आप बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज देखेंगे तो आज अगर आपको पता करना हो कि नेट बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में कल जितनी कंपनियां लिस्टेड थी उनके शेयर्स की सारी कंपनियों के मिला के कल कितनी वैल्यू थी और आज कितनी वैल्यू है, इंक्रीज या डिक्रीज हुई है, तो उसका एक इंडेक्स होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का, इंडेक्स है आपका सेंसेक्स, और आपका नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स है निफ्टी। 50. यस, ये जस्ट एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, पहले आपको बता होना चाहिए अभी तक तो। नाउ पहले एक और स्टॉक एक्सचेंज होती थी, पहले होती थी जिन कमोडिटीज, कमोडिटीज लाइक गोल्ड, एनी कमोडिटी, गोल्ड सिल्वर ये तो मेटेलिक है, फिर आपका कोल भी हो गया, इवन आपका पोटैटो हो गया और जीरा हो गया, ऐसे जो भी है कार्डेमम हो गया, जो भी कोई भी कमोडिटी हो, दैट में भी मेटेलिक और नॉन मेटेलिक, पेरिशेबल नॉन पेरिशेबल एनी अदर, तो उसकी जो रेगुलेटर था वो होता था MCX, मल्टीपल कमोडिटी एक्सचेंज, एनी कमोडिटी। तो फिर गवर्नमेंट ने एक रिफॉर्म किया, और गवर्नमेंट ने क्या किया, इस MCX को मर्ज कर दिया सेबी में, कि काइंड ऑफ मर्ज नहीं कर दिया, ये बोलो कि कमोडिटी की रेगुलेशन भी सेबी को ही दे दी, कि देश में एक ही रेगुलेटर होना चाहिए इस तरीके की ट्रेड का, तो सेबी के पास कमोडिटी का भी फंक्शन आ गया, तो गोल्ड को सेबी करता है। बट गवर्नमेंट ने एक चीज देखी, इन बाकी सारी कमोडिटीज से इंडिया में अगर आप देखेंगे तो गोल्ड इज डिफरेंट, गोल्ड को लोग खरीदते अलग अलग पर्पस के लिए है, स्मगलिंग भी होती है और बहुत सारे इशूज है,
उनको लगा कि गोल्ड के लिए एक सेपरेट एक्सचेंज होनी चाहिए, तो उन्होंने सेबी को बोला है कि वो एक इंडिपेंडेंट एक्सचेंज एस्टेब्लिश करे इन द नेम ऑफ गोल्ड एक्सचेंज। तो पूरे देश में गोल्ड की जो ट्रेड होगी, स्टैंडर्डाइजेशन होगा, जो भी होगा वो ये गोल्ड एक्सचेंज है। तो आई होप कि ये आपको क्लियर हो, एंड एज यू गाइस आर सेइंग कि ऑलरेडी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, है ना। सर MCX बिल्कुल अबॉलिश हो गया है फिर। देखो MCX, अब MCX नाम की कोई एक्सचेंज नहीं है एज फार एज माई अंडरस्टैंडिंग इज, ये सारा फंक्शन इनको दे दिया, तो डेफिनेटली इसी को इसके अंदर ही सबमर्ज कर दिया होगा। ओके सर। क्लियर है? यस सर। तो ये वो गोल्ड एक्सचेंज का आइडिया था। तो ये आइडिया डिस्कस कराया था ना लास्ट क्लास में, नहीं कराया था? नो सर, गोल्ड MCX एमसी कराया नहीं। था, बाकी आपने ऊपर वाला बताया था बस। ठीक है, हाँ वो देखिए टाइम है, जितना टाइम मिलता है अदरवाइज और भी डिटेल में जा सकते हैं। ठीक है, ये था, मैंने आपको इंश्योरेंस सेक्टर के बारे में बताया था, उसमें FDI ओपन की गई है, ये नहीं बताया? 9% टू 74 कर दिया आप। हाँ ठीक है, और मैंने ये बोला था गवर्नमेंट ने बोला है कि दे विल रिकैपिटलाइज। हाँ MSB PSB वाला ना। हाँ ठीक है, अमाउंट याद नहीं रखना है, बस रिकैपिटलाइज, और जो आप डिपॉजिट करते हो उसका इंश्योरेंस भी मैंने बता दिया था। ये ठीक हाँ है, तो ये आपका ये वाला मैंने तीन करा ही दिया था पूरा। ठीक है, तो आप सभी लोगों की तैयारी कैसी चल रही है? चलो एक क्लास के लास्ट में एक बार मैं डिस्कस कर दूंगा आपसे। सर आपने स्कीम्स अब कंप्लीट करा दी या अभी और बची हैं उसमें? मैंने बोला ना 400 स्कीम्स है। नहीं सर, क्योंकि आपने ना एजुकेशन सेक्टर का एक भी स्कीम नहीं बताई थी, इसलिए आई एम जस्ट आस्किंग कि अच्छा ओके ओके, तो कितनी मैंने अभी तक स्कीम कराई है बताइए, आपको नंबर ऑफ स्कीम बताइए। सर नंबर ऑफ स्कीम ऐसे तो याद नहीं है, मतलब चेक कर। यू गाइस हैव टू टोल्ड मी ना यार, आप भी इतने बच्चे भी हो, जैसे अभी इन्होंने पॉइंट आउट करा बिल्कुल सही है, ये आपसे भी तो करना था कि सर एजुकेशन की आपके जो भी इसमें मेन थीम है, एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, सोशल जस्टिस हो गया, तो इन सीनियर सिटीजन माइनॉरिटीज इनकी मेजर स्कीम पता होनी चाहिए। तो वो तो मेन स्कीम हमने कर ही ली, लेकिन एजुकेशन सेक्टर, हेल्थ सेक्टर, इन सबकी हेल्थ की तो हो गई है। तो हेल्थ हेल्थ हो गई है, सिर्फ काफी हुई एजुकेशन की बची है ये। हाँ तो ये एजुकेशन मुझे की याद क्लास दिला दो, मैं बता दूंगा, और बताता सर नहीं हूँ आपको कोविड की भी इसकी। क्लास लेनी है कोविड पे। हाँ ठीक है, वो मैं ले लूंगा। अब आपको एक मैंने आत्मनिर्भर भारत का भेजा था, एक याद है, वो हाँ सर शायद सारा PDF सारे बच्चों ने कंप्लीट कर लिया है, उसमें जो इंफॉर्मेशन है वो बहुत कंड है, बहुत मतलब थोड़ा नहीं है वो, आपको लगेगा कुछ नहीं है उसमें, एक एक शब्द का बहुत बड़ा मीनिंग है, और एक एक शब्द के ऊपर गवर्नमेंट ने बहुत कुछ किया है, एक बार उसको कर लेना। कोविड के ऊपर ही है, कोविड के ऊपर, और एक ये है कि वो शायद सर ने आपको बायोलॉजी पढ़ाई होगी तो आई गेस वायरस एंड वैक्सीन करा दिया होगा। तो वैक्सीन्स के बारे में नहीं हुआ था डिस्कस कि कौन सी mRNA है कौन सी क्या है, वो उन्होंने बायो काफी बेसिक लिया था। बायो बायो, हाँ मतलब कोविड से रिलेटेड वैक्सीन वगैरह नहीं पढ़ाया उन्होंने। चलो ठीक है, कोविड से रिलेटेड जो भी है आपका, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोविड से रिलेटेड इकोनॉमिक एस्पेक्ट और इसका जो भी साइंस एंड टेक, बायोटेक्नोलॉजी, वैक्सीन के टाइप क्या होते हैं, वो दो तीन जो मेन वैक्सीन है वो कैसे काम कर रही है, उनका सारा आपको मैं करवाऊंगा, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, और अभी और भी अगर आपको कुछ लग रहा है ना ये नहीं हुआ तो प्लीज डू आस्क मी। देखो मैं भी, मेरा भी यही काम है, मैं इधर या तो पढ़ा रहा हूँ या मैं पढ़ रहा हूँ, मैं हमेशा ही दो नॉर्मल नॉर्मल केस में मैं 2-3 मिनट की दूरी पे होता हूँ अपने डिटेल नोट्स से, यही मेरे स्टडी टेबल है पास में, तो कभी भी कुछ भी लगे कि इस पे कुछ दो तो यू कैन आस्क। अगले 10 दिन, आज 11 तारीख आपके पास हो गई है, ये 11 है, 20 को आपका एग्जाम है, 19, 18, 17, अब से तो ये स्ट्रेटेजी है कि इसमें नया मत पढ़ना बिल्कुल भी, 3 दिन चलो अभी है, 3 दिन पहले बिल्कुल नया नहीं पढ़ना है, और हर बच्चे का अपना इंडिविजुअली होगा, लेकिन जो बच्चे अपने आप को टॉप भी मान रहे हैं ना कि सर हम तो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, वो भी 17, 18, 19 में नया बिल्कुल मत पढ़ना,
और जिन बच्चों को लग रहा हो कि सर अब तक जो पढ़ा है वही मेमोराइज नहीं हो रहा है, वो मान के चले 11-17 में और जोड़ लें 16-15-40 या चलो 15 और 16 वाले, इन इन 5 दिन सिर्फ रिविजन करो जितना मैक्सिमम हो सकता है। और जैसा मैंने आपको बताया था 2-3 लोगों का ग्रुप बना लें, व्हाट्सएप पे अपनी कॉल करें, वीडियो कॉल करें, एक दूसरे से पूछें, तो अगर बना हुआ है ऑलरेडी जानते हो तो, नहीं जानते तो आप बनाने की कोशिश करते हैं ना अपने तरीके से, बाकी आपका अपना हो सकता है। तो अगेन मैं आपकी कब क्लास रख रहा हूँ, तो इन अभी जितने भी दिन है आपकी मैं रिविजन के लिए भी कुछ कर लूंगा, बट जहाँ पे भी आपको लगता है कि इस चीज के लिए क्लास चाहिए तो आप बोल सकते हैं, ठीक है सर। तो, अभी इकोलॉजी की भी आप क्लास लोगे, स्पेस की और इकोलॉजी की मैं एक काम करता हूँ ट्राई की कल। देखो अब क्या है ना कि मैं भी नहीं देख रहा आपकी भी, चाहे मैं टाइमिंग रात के 10 या 10:30 बजे भी रखूँ या 11 बजे भी रखूँ, आई विल मेक श्योर की क्लास हो पक्का। तो कल मैं आपकी इकोलॉजी की क्लास करता हूँ, इकोलॉजी का थोड़ा आपको बेसिक बता दूंगा और कल बता, ठीक है जी सर। एक क्लास आपने आर्ट एंड कल्चर और ट्राइब्स की रिवीजन के लिए भी कहा था। ओके तो पहले कल इकोलॉजी करते हैं, उसके बाद कोविड बचा, कोविड ज्यादा देर में नहीं होगा, कोविड एट मैक्स 30 मिनट का थीम। ट्राइब्स आपकी करा दूंगा, शेड्यूल ट्राइब क्या होती है उसके सर, बाद क्योंकि आर्ट एंड कल्चर सर ने एक बार पहले कराया था बट वो ज्यादा क्लियरली हुआ नहीं था, वो कंप्लीट भी नहीं हुआ था। आपको फिर बार बार बोल रहा हूँ कि आपको अगर कहीं पे ये लग रहा है ना, देखो मैं अभी अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ पिछले 2-3 दिन में तबीयत खराब होने के बावजूद भी, तो मैं अपनी तरफ से बहुत कुछ कर रहा हूँ। अब ऐसा ना हो कि मैं भी अपनी तरफ से बहुत कुछ कर रहा हूँ और आपको फिर भी लगे कि सर ये तो कमी थी, समझ रहे हो ना, तो यहाँ पे फिर मेरे सारे एफर्ट किसी काम के ही नहीं है। इस टाइम पे मैं जो पढ़ा रहा हूँ, मैं इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ कि मुझे पैसे मिल रहे हैं, मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि तुम बच्चों का काम चल जाए। तो यहाँ पे अभी अगर आपको कहीं पे लग रहा है ना कि ये हमारा एरिया लैकिंग है, ये या बोला था नहीं हुआ है, तो प्लीज डू आस्क। ग्रुप में भी तुम क्वेश्चन भेजते हो, हाँ लेट कर देता होगा और 10 में से 9 बार तो रिप्लाई कर देता हूँ, तो उसमें डाल के छोड़ दो उसी दिन, या उसी दिन में मैं कर देता हूँ एडमिट, कोई भी दिक्कत है कोई भी। जैसे मैंने कोविड वाला बोला था, मोस्ट इम्पोर्टेंट इकोलॉजी वाला बोला था, कल की क्लास आपकी पक्की इकोलॉजी पे, ठीक है, और आज इसको करते हैं। तो अगेन अब ये जो 5-6-7 दिन है, इसमें जितना हो सकता है अपनी तरफ से आपको पूरा ओपन रहिए, हेजिटेशन मत रखिए कोई भी, ठीक है। तो बिना हेजिटेशन के आप जो भी है आपके मन में वो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अब इसको मैं एक बार करा दूं, 2-3 दिनों में और भी इसमें कुछ स्कीमें लेके आए हैं। बस अब मेन ध्यान रिवीजन पे रखिए, रिवीजन पे रखिए। अच्छा गवर्नमेंट ने देखो ये बोला है, अब एक थीम है इंक्लूसिव डेवलपमेंट एंड फॉर एस्पिरेशनल इंडिया, एक न्यू इंडिया पे तो थीम आया ही था, न्यू इंडिया बनाएंगे, न्यू इंडिया कब तक बनाएंगे, 2022 तक, तो अभी 2 साल और, फिर देखिए मोदी जी असली गेम आपको तब दिखाएंगे न्यू इंडिया। इसमें इन्होंने क्या बोला है कि देखो इंक्लूसिव डेवलपमेंट, अभी इंक्लूसिव डेवलपमेंट अपने आप में एक बहुत बड़ा थीम है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट। एक डिबेट आप सभी लोगों ने सुनी होगी, बट अगेन सब्जेक्टिविटी में अब नहीं जाते हैं। सो इन्होंने बोला है कि वी विल एंश्योर कि फार्मर्स को जो एमएसपी मिले वो 1.5 टाइम ऑफ कॉस्ट मिले, और ये किसने रिकमेंड किया था, ये पहले रिकमेंड ने किया था, एमएस स्वामीनाथन। कमेटी बनी इनके एग्रीकल्चर रिफॉर्म पे, तो ऑलरेडी ये बता चुके। अब इस बार इन्होंने ये एक मेन स्कीम है, आई गेस कि इस पे क्वेश्चन आना चाहिए, ये स्कीम है स्वाव, SWAMITVA, स्वामित्व जो भी है। इसमें क्या करेंगे ये कि रूरल एरिया में होता क्या है,
लोगों के पास अपनी प्रॉपर्टी जिस घर में रहते हैं उसके कागज नहीं होते हैं। ये होता है कुछ लोगों को जो लीड क्लास आप में से होंगे, विलेज से बिलोंग नहीं करते, नहीं पता होगा, बट ऐसा होता है। तो इन्होंने बोला है कि सारे विलेजेस को हम उनका काइंड ऑफ वो देंगे, उनका रिकॉर्ड काइंड ऑफ उनको प्रॉपर्टी कार्ड हम देंगे। तो ये स्कीम कब लॉन्च की थी बताऊंगा, बजट में इसको एक्सपेंड कर दिया है टू ऑल विलेजेस बाय 2024। टारगेट 2024 क्यों है, जस्ट बिफोर द इलेक्शन। ये मिनिस्ट्री, ये स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ सॉरी MITVA मित्व है। हाँ, मैंने वो कर दिया MITVA मित्व। सो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, और ये इन्होंने लॉन्च, ये मैंने बताइए क्या पहले, और ये इन्होंने लॉन्च की थी पंचायती राज डे पे, जो आपका हम मनाते हैं April 24। यहाँ पे सारे जो विलेज के लोग हैं उनको उनका प्रॉपर्टी राइट मिल जाएगा, ये थोड़ा सा आप याद रखें। ठीक है, यस सर। अब इन्होंने ये, मैंने आपको ऑपरेशन ग्रीन बताया था, नहीं बताया ऑपरेशन ग्रीन। एक पहले गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया, उसका नाम था ऑपरेशन ग्रीन। ऑपरेशन ग्रीन और इसका मेन एम था, ये तीन टॉप मैंने बताया होगा, टमेटो ऑनियन पटेटो, इनके जो प्राइस है ना उसकी फ्लक्चुएशन को कम करना। तो अब इन्होंने क्या किया है, ऑपरेशन ग्रीन पहले टॉप तक लिमिटेड था, टमेटो ऑनियन पटेटो इन तीनों के प्राइस बहुत फ्लक्चुएट करते हैं। कैसे करते हैं वो एमसीक्यू में अब नहीं समझा, एमसीक्यू में वो पूछ भी नहीं पाएंगे। अब इन्होंने कर दिया है इस टॉप स्कीम का जो मैंडेट है, ऑपरेशन ग्रीन का मैंडेट है, अब वो ऑल हो गया, ऑल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। हमारे देश के इंडियन लोगों को जो फ्रूट और वेजिटेबल मिलते हैं महंगे मिलते हैं और बहुत बेकार क्वालिटी के मिलते हैं। अगर आप यूरोप में देखेंगे, इवन अगर चाइना में देखेंगे, इतनी अच्छी क्वालिटी के फ्रूट्स और वेजिटेबल मिलते हैं जबरदस्त, हमको तो सबसे घटिया क्वालिटी के मिलते हैं। मतलब ये हमारे जो भी प्रोडक्शन होती है उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती। क्वालिटी क्या, बहुत वो पेस्टिसाइड और ये यूज करते हैं। तो ठीक है गाइस, ये समझ में आया, ऑपरेशन ग्रीन टॉप टमेटो ऑनियन पटेटो, उसको एक्सपेंड कर दिया है सभी के लिए। यस सर। इसी में फिर उन्होंने फर्दर बोला है कि देखो हमने क्या किया है, वन नेशन वन राशन कार्ड है, ये सबको पता है वन नेशन वन राशन कार्ड, पता है नहीं पता है, कई बार डिस्कशन कर चुके हैं। और एक और इन्होंने बोला है कि ये बस टर्म याद रखना, गिग वर्कर्स का आपने नाम सुना है, गिग वर्कर्स या गिग वर्कफोर्स, देखो एक एक पहले टर्म होता था इनफॉर्मल सेक्टर, सुना था आपने इनफॉर्मल सेक्टर, यस सर। फिर एक टर्म आया फॉर्मल सेक्टर, अब उससे हम आगे चले गए, अब एक नया टर्म आया है इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ फॉर्मल सेक्टर। यहाँ पे क्या हो रहा है कि इनफॉर्मल वर्क, जहां पे मतलब आप कुछ भी काम कर रहे हैं, किस स्ट्रक्चर में नहीं कर रहे, आप एक कंपनी में काम कर रहे हैं, परमानेंट टाइम है, फिक्स जॉब है, फिक्स सैलरी है, आपको एक टास्क परफॉर्म करना होता है, ये फॉर्मल है। लेकिन जितनी भी आप गिग इकोनॉमी में देख रहे हो, यहाँ पे टास्क बेस्ड आपको टास्क बेस्ड आपको जॉब परफॉर्म करनी होती है। तो ये जो फॉर्मल सेक्टर थे ये अब इनफॉर्मल होते जा रहे हैं, समझ रहे हो आप इस बात को। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए स्विगी में टास्क एक मिला है आपको, पर डिलीवरी के बेसिस पे अब वो आपको पेमेंट दे रहे हैं,
बहुत सारे ऐसे सेक्टर थे जो पहले फॉर्मल थे, लेकिन अब जो फॉर्मल सेक्टर है वो इनफॉर्मल होते जा रहे हैं। थोड़ा बहुत समझे नहीं समझे? तो ये गिग इकोनॉमी में जितने भी आपके आईटी इंटरनेट बेस्ड जितने भी काम है उन पे जो लोग काम करते हैं वो गिग वर्कर्स बोलते हैं। तो इनकी सोशल सिक्योरिटी क्या हो, इनको आप सैलरी कितनी दोगे, टाइमिंग क्या हो, इसको लेके कोई रूल एंड रेगुलेशन नहीं है। तो गवर्नमेंट, क्योंकि नया ही फिनोमिना है, इसको लेके गवर्नमेंट ने कुछ बोला था, तो बस ये गिग इस टर्म को याद रखना। दे में आज की कुछ को पूछ लो, ठीक है? यस सर। एजुकेशन मैंने आपको बताया था क्या? एजुकेशन थीम कवर कराया था, नहीं कराया था? नहीं सर, एजुकेशन बजट में बहुत कुछ नहीं है, बट अगेन दो तीन स्कीम है जो हमें कवर करनी है, वो मैं आपको बता दूंगा। अच्छा, तो इन्होंने पहले तो कुछ नहीं बोला, इन्होंने बोला है कि हम 15 के स्कूल्स में न्यू एजुकेशन पॉलिसी को इंप्लीमेंट करेंगे। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी पढ़ना होगा थोड़ा बहुत, इसके बारे में कमेटी हुई थी 5-6 पॉइंट कहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिए, इसे छोड़ो, इससे कोई लेना देना नहीं है, कोई एमसीक्यू नहीं बनता। अच्छा, इन्होंने बोला है कि गवर्नमेंट ने बोला है कि वी विल इंट्रोड्यूस अ लॉ, लेजिस्लेशन टू बी इंट्रोड्यूस टू सेटअप। हम एक लॉ बनाएंगे, उससे हम क्या सेटअप करेंगे, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। एक्चुअली क्या भी, कम से कम मैंने 10-12 पेजेस में बजट पढ़ा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने सब कुछ पढ़ा दिया है, तो बिल्कुल क्लियरिटी नहीं है कि कहाँ पे क्या नहीं पढ़ना है। तो देखिए, हमारे हायर एजुकेशन का, इवन हमारे सारे के सारे एजुकेशन का ही जो रेगुलेशन है ना, वो सारा का सारा कॉम्प्लिकेटेड है। कहीं पे यूजीसी आ जाती है, कहीं पे प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, कहीं पे पब्लिक यूनिवर्सिटी है, कोई करिकुलम सेम नहीं है, कोई टीचर्स का प्लेसमेंट सेम नहीं है। तो एक सेंट्रलाइज वे नहीं, नॉट सेंट्रलाइज, एक होमोजीनियस वे नहीं है, मल्टीप्लिसिटी ऑफ रेगुलेटर्स है। इस फिनोमिना को हम बोलते हैं, जहाँ पे भी आपको बहुत ज्यादा रेगुलेटर दिखे तो इस फिनोमिना को, इस फ्रेज को यूज कर लेना चाहिए इंटरव्यू वगैरह में, ओवर रेगुलेटेड एंड लीस्ट गवर्न। रेगुलेट बहुत ज्यादा कर दिया है, गवर्नेंस दी नहीं है, तो ये ही है, गवर्नेंस नहीं दे रहे हैं, ओवर रेगुलेट कर रहे हैं। तो इन्होंने बोला वी विल सेट अप अ हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया एज अ अम्ब्रेला बॉडी, और इसके और क्या, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, और इसके अंडर में हम 4 सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन 4 सेपरेट कमीशन करेंगे। एक का पर्पस होगा स्टैंडर्ड सेटिंग, हायर एजुकेशन के लिए, और दूसरा एक्रीडिएशन के लिए होगा, तीसरा होगा रेगुलेशन के लिए, चौथा होगा फंडिंग के लिए। तो हम एक कमीशन बनाएंगे, अम्ब्रेला बॉडी हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, उसके 4 वर्टिकल्स होंगे और हर एक वर्टिकल एक पर्टिकुलर सेक्टर में देखेगा। अगर आप एक रेगुलेशन देखो और क्या बोल रहा एक्रीडिटेशन देखो, तो इनमें पहले एक ही बॉडी कर दी है, यूजीसी कर दी है, तो बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। यूजीसी को ही परमिशन देनी है और यूजीसी को ही फिर फंड करना है, तो बहुत सारे इसमें कॉम्प्लिकेशन। अगेन अब मैं डिटेल में नहीं जा रहा, तो ये आपके एड्रेस। नेक्स्ट, इन्होंने शेड्यूल ट्राइब के लिए स्कीम है, वो सबको पता है, 75 1 लाख मॉडल, ये सुना होगा, 1 लाख मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल का कॉन्सेप्ट सुना है आपने? यस सर। एक और स्कीम है, कई बार अब ये न्यूज में चल रही है, ये है हुनर हाट, हुनर हाट, ये माइनॉरिटीज के लिए है, माइनॉरिटी जो आर्टिस्ट है, तो कुछ नहीं करेंगे, हुनर हाट करके मेले लगाएंगे और फेस्टिवल काइंड ऑफ होंगे, यहाँ पे अपना प्रोडक्ट डिस्प्ले करेंगे, और इंटरनेशनल, क्योंकि ये माइनॉरिटी अफेयर इवन ये लंदन में भी ऐसा लगाने के लिए बात कर रहे हैं,
तो इन लोगों का जो स्किल है, जो इनका क्राफ्ट है, उसको वाइडर रीच मिल जाएगी, अच्छे इनको डायरेक्ट पैसे मिल जाएंगे, कोई मिडिल वेयर। तो ये एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल है ट्राइबल लोगों के लिए। अब बस इतना याद रखना, यहाँ पे देखो ट्राइबल इलाके में दिक्कत क्या होती है, इतना बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, चार विलेज यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे 10 बच्चे पढ़ने वाले हैं, एक बोलेगा मुझे साइंस लेनी है, दूसरा बोलेगा आर्ट लेनी है, तो ऐसे ही फ्रेगमेंटेड बच्चे हैं। तो आप फ्रेगमेंटेड इलाके में क्वालिटी एजुकेशन नहीं दे पाते। हमने क्या करा, इस डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर में, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर है, यहाँ पे हमने एक अच्छा सा स्कूल इस्टेब्लिश कर लिया, वहाँ पे रेजिडेंशियल भी फैसिलिटीज है, और यहाँ पे सारे बच्चों को उठा के लेके आए। तो इस कंसंट्रेटेड एनवायरनमेंट में हम उनको जो भी क्वालिटी एजुकेशन दे पाएंगे, कॉस्ट कम हो जाएगी, सस्टेनेबल होगा, क्योंकि यहाँ पे आप दूर 5 विलेजेस में ही जाओ और 10 बच्चे पढ़ने आए, तो गवर्नमेंट की तरफ से भी सस्टेनेबल नहीं होगा। तो इसलिए हमने रेजिडेंशियल इनके लिए स्कूल इस्टेब्लिश कर दें। तो आई गेस ये समझ में आएगा। एसटी की पॉपुलेशन कितनी है इंडिया में? नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन नहीं आएगा। पर सर आई डोंट नो, बट आई गेस सम 9 या 10 करोड़ के अराउंड है। रफली 8 के अराउंड है, 8 पॉइंट समथिंग है, 8 के अराउंड है, मैंने इतने याद से देखा। ओके, बाकी और कुछ इतना अच्छा इन्होंने नहीं कर किया है, जस्ट ऐसे ही पुरानी स्कीम्स के अंदर में कुछ किया। नेक्स्ट थीम है इनोवेशन। अब इन्होंने बोला है किसी डिजिटल पेमेंट के लिए हम एक स्कीम लेके आएंगे, डिजिटल पेमेंट के लिए एक स्कीम लेके आएंगे, उसके लिए कुछ अमाउंट दिया, जस्ट स्कीम का नाम नहीं पता तो कुछ आपको याद नहीं करना है। हाँ, इन्होंने एक अच्छी चीज दी है, वो इन्होंने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, नेशनल लैंग्वेज ट्रांसलेशन मिशन। डेफिनेटली जो भी गवर्नमेंट इन्फॉर्मेशन देती है अलग अलग लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है, अच्छी गवर्नेंस के लिए, इससे गवर्नेंस डिलीवरी ऑफ सर्विस अच्छी हो जाएगी। बस इतना याद रखना है, कुछ आउटले वगैरह नहीं दिया, दिया है बट इतना काफी आपको डिटेल में और ज्यादा पढ़ने की जरूरत है। और इन्होंने इस बार बजट में कुछ मेंशन करा है, हमारा जो रॉकेट इंजन है वो ब्राजीलियन सैटेलाइट्स को लॉन्च करेगा, फॉरेन कंट्रीज की सैटेलाइट हम पहली बार नहीं है, नॉर्मली लॉन्च करते ही है। तो बस ये था PSLV सी सो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। अच्छा, यहाँ पे आप ये देख लेना, वॉइस सुन पा रहे हैं आप मेरी? यस सर। आपके इंटरनेट थोड़ा सा फ्लक्चुएट किया है। So, PSLV के आगे क्या है? CSSI। किसी इतना याद रखना, PSLV CS and 51 ये फ्लाइट नंबर है, कौन सी फ्लाइट है, 51वीं फ्लाइट है, ये याद रखना बस, कुछ इसको ज्यादा रखने की जरूरत नहीं है अभी। मैं CS5 लिखा है, क्या लिखा है? CS PSLV रॉकेट का नाम है, ये उसका फ्लाइट नंबर है, CS 51। क्या किया, एक और पैरेलल कॉमर्शियल आर्म लॉन्च किया और उसका नाम है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड।
ये कॉमर्शियल आर्म है, अगर किसी को कॉमर्शियली सैटेलाइट लॉन्च करानी है इसरो से, तो इसरो के पास नहीं जाना है, इसके पास जाना है। तो सर, तो फिर अंतरिक्ष का क्या हुआ? अच्छा, ये अंतरिक्ष भी अभी है, लेकिन उन्होंने सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट कर दिया है। कुछ इशू था, मैं भी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। अंतरिक्ष में फाउंडेशनली कुछ दिक्कतें थी। ये काइंड ऑफ मोर प्रोफेशनल बॉडी है, मोर प्रोफेशनल है कि अंतरिक्ष में आपके जो वो थे वो साइंटिस्ट ही थे। तो कैन यू इमेजिन कि साइंटिस्ट से आप बिजनेस करा रहे? भाई बिजनेस मेंटेलिटी तो अलग चाहिए ना, यहाँ पे हमको एमबीए चाहिए, आप जैसे आप लोग चाहिए जो बेच सके बस प्रोडक्ट को, यहाँ पे मार्केटर्स चाहिए। अब साइंटिस्टों से आप बिकवाओगे तो वो शायद इतनी अच्छी डील नहीं ला पाएंगे। तो ये ज्यादा बिजनेस ओरिएंटेड, प्रॉफिट ओरिएंटेड, मनी ओरिएंटेड प्रोफेशनल बॉडी है इन टर्म्स ऑफ इंडिया की इसरो की जो पोटेंशियल्स है उनको कॉमर्शियली एक्सप्लॉइट करता है। ये जब इन्होंने स्पेस में रिफॉर्म किए थे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अभी कोविड के दौरान, तब इसको इस्टेब्लिश किया। ठीक है, तो ये अब ये जो है ये ब्राजीलियन सैटेलाइट को लॉन्च करेगा दिस वीक, ब्राजीलियन सैटेलाइट। और सैटेलाइट का नाम है हाँ एमेजोनिया, द नेम ऑफ सैटेलाइट। आपको पता होगा एमेजोन फॉरेस्ट ब्राजील में, प्लस कुछ इंडियन सैटेलाइट भी होंगे। ये दे आर जस्टिफाइंग कि हाउ हम इनोवेशन और R&D पे क्या करें, डिजिटल पेमेंट फ्यूचर है, ट्रांसलेशन मिशन, यहाँ देखो। तो ये काइंड ऑफ एक स्टेटमेंट भी होती है जस्टिफाई करना कि हम क्या करने जा रहे हैं। देन गगनयान के बारे में आपको पता ही होगा, मिशन गगनयान। इसके लिए अभी हमारे जो फोर यहाँ पे एस्ट्रोनॉट्स है वो रशिया में, उनको ट्रेनिंग मिल रही है। तो बस इतना ही अभी, और इसमें कुछ आगे प्रोग्रेस नहीं हुआ। इसके टारगेट वगैरह देखिए मैं आपको बता दूंगा, मिशन गगनयान के। अच्छा, ये एक इन्होंने और मिशन लॉन्च किया है, ये अंडर वाटर को स्टडी करने के लिए, और ये मिशन है आपका डीप ओशन मिशन। और इसको इन्होंने 4,000 करोड़ दिए हैं, पैसा छोड़ देना। डीप ओशन मिशन में आप क्या करोगे, देखिए स्पेस में जाने के लिए जैसे व्हीकल चाहिए होता है, तो इस तरीके से अगर आप वाटर के अंदर डीप में जाएंगे तो आपको बहुत सोफिस्टिकेटेड व्हीकल चाहिए होता है। तो इसमें एक तो हम सबमरीन, फॉर एग्जाम्पल जो कन्वेंशनल सबमरीन है, आपने बहुत सारी मूवी भी देखी होंगी, वो 200-300 मीटर से ज्यादा नहीं जा पाती, 400 मीटर से ज्यादा। लेकिन ओशियन का जो फ्लोर है उसकी गहराई, फ्लोर की गहराई आपकी ऑन एन एवरेज 3,000 से 5,000 मीटर के आसपास तक है। तो अगर आपको डीप ओशन मिशन में जाना है तो ये आपको बहुत सोफिस्टिकेटेड एक सबमरीन चाहिए, व्हीकल चाहिए। तो इसमें व्हीकल भी डेवलप करेंगे और भी कुछ काम करेंगे। तो डीप ओशन मिशन से ही पता चल रहा है ये आपका ओशियन में स्टडी को लेके कैसे इंडिया R&D में जाना है वो। ठीक है सर, डीप ओशन मिशन के बाद क्या लिखा सर? सर मैंने बस डीप ओशन मिशन ही लिखा है, हाँ पैसे दिए इन्हें छोड़ो, पैसे पे क्वेश्चन नहीं पूछो। ओ ओके सर, ठीक है, अभी यस तक क्लियर है? यस सर, यस सर। तो अब हम देखेंगे टैक्स प्रपोजल्स के बारे में, इस बार उन्होंने क्या दिया है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हमें याद रखना है। टैक्स प्रपोजल्स कुछ करंट में भी आया होगा तो मैं आपको बता दूंगा। Now, सबसे पहले इन्होंने बोला है जो फिजिकल डेफिसिट है, फिजिकल डेफिसिट, सबसे पहले व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फिजिकल डेफिसिट। फिजिकल डेफिसिट होता है आपका, देखिए गवर्नमेंट के पास कितने पैसे आए, ये तो गवर्नमेंट के पास आए टोटल रिवेन्यू, और ये गवर्नमेंट का टोटल है एक्सपेंडिचर। यहाँ पे आ गया एक गैप, ये गैप है। तो इस गैप को गवर्नमेंट कैसे पूरा करती है, इतना हो गया प्लस गवर्नमेंट लेती है इतने का डेट, तो ये हो गया डेट। तो फिस्कल डेफिसिट आपको ये बताता है कि टोटल एक्सपेंडिचर माइनस नॉन डेप्ट इनकम,
मतलब तुम्हारे पास जितना भी पैसा आया है वो बताओ बिना कर्जे का, तो वो आपका निकल के आया कि भाई यार ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है यहाँ पे, इस तरीके से मैं समझा रहा हूँ, चार क्वेश्चन और पूछेंगे अब इसका भी टाइम नहीं है। तो फिस्कल डेफिसिट कुछ नहीं है, फिस्कल डेफिसिट बजट का वो पार्ट है जितना इस बार के आपने जो खर्चे किए थे उनमें आपने डेट लेके पूरा किया। एक मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूँ, इस महीने मेरे ही खर्चे थे लेट से 2 लाख और मेरे पास जो इनकम आई थी 1.5 लाख, तो मुझे खर्चे दो करने, तो मैंने 50,000 का डेट लिया, तो अब मेरे पास पूरे आ गए 2 लाख, खर्चे भी हो गए। अल्टीमेटली जितने खर्चे आपने करे उतना आना चाहिए ना, तो इनकम से 1.5 आया था, 50,000 जो मैंने डेट लिया। तो फिजिकल डेफिसिट कुछ नहीं है, फिजिकल डेफिसिट इज इक्वल टू कि इस बार डेट कितना, जो टोटल पैसा खर्च किया है उसमें कितना डेट लेके खर्च किया। तो मेरा मेरा मंथली इस बार का फिजिकल डेफिसिट हुआ लेट्स से 50, समझ में आया? यस। अब इन्होंने बोला है, देखो इन दो फिगर को ध्यान से सुनना, बजट में इन्होंने बोला है कि जो 21 और 22 नेक्स्ट ईयर का फिस्कल डेफिसिट होगा वो होगा 8%, और जो भी करंट फिस्कल ईयर 20 और 21 इसका है 9.5, और अगर आप कोविड से पहले का देख लेंगे ना, 4% के अराउंड होता था, 3.8। तो यहाँ पे गवर्नमेंट करेगी, और ये जीडीपी से आप इसको इवेल्युएट करते हैं, अब बस इस पे मत जाओ कि हाउ जीडीपी से होता है, बस इतना मानो। तो अब आप देखिए कि कितना है, कोविड के दौरान जो गवर्नमेंट ने 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया था, सब कर्जा ले लेके गवर्नमेंट ने आपके इकोनॉमी को पुश करने के लिए खर्च किया, ऐसे ही होता है। ठीक है, समझ में आया दोनों डेटा? यस सर। ओके, अब इन्होंने बोला है कि नेक्स्ट ईयर में हम खर्च कितने करेंगे, नेक्स्ट ईयर में बोला है, मतलब इसमें जो बजट है नेक्स्ट ईयर के लिए ना 21 से लेके 22 तक, तो इन्होंने बोला 34 लाख करोड़ हम खर्च करेंगे, ये याद मत रखना, और इसमें से 12 लाख करोड़ हम डेट लेंगे, क्योंकि तो सरकार के पास जो टैक्स वैक्स आएगा 19-20 आएगा, और कहीं से थोड़ा बहुत प्रॉफिट आ जाएगा, तो 20-22 टोटल पैसा आएगा इनकम का, लेकिन इकोनॉमी को पुश करने के लिए खर्च 34 करना है, तो 12 लाख करोड़ हम डेट से लेंगे। ठीक है, कैसे लेंगे वो आप देखते। एक यहाँ पे इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, बस इसको रट्टा मार लेना, अब समझने का टाइम नहीं है। अच्छा, कोई भी सरकार ऐसे खर्च, यू नो, फिर तो ऐसा होगा ना कि कोई भी सरकार इलेक्शन से पहले बहुत कर्जा लेगी, खर्च कर देगी और इलेक्शन जीत जाएगी, तो आप कितना कर्ज ले सकते हैं उस पर कोई लिमिट होनी चाहिए या नहीं, कोई रेगुलेशन होनी चाहिए? यस सर, होनी चाहिए। यस सर। आपकी आप इंडिविजुअल हो, आपके ऊपर फाइनेंशियल चेक कौन रखता है? सोसाइटी, आपके पेरेंट्स रखते हैं, आपके फ्रेंड्स रखते हैं अगर अच्छे हो गए तो ये एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, कोई लॉ नहीं है, लेकिन ये ध्यान रखते हैं कि भैया तुम्हारे पास पैसे कितने आ रहे हैं और तुम खर्च कितने कर रहे हो। कल को अगर तुम जैसे ही बहुत ज्यादा अपनी इनकम से ज्यादा खर्च करते हो, ये आके आपसे 10 क्वेश्चन पूछते हैं, और मिडिल और जो नॉर्मल होता है, जो सोसाइटी का इसको मेंटेन करने का तरीका है, वो ये है कि जितनी भी एग्रीकल्चर प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी है कि बच्चे की शादी कर दो, अपने आप उसके एक्सपेंडिचर मैनेज हो जाएगी, फालतू उसके पास बचेंगे ही नहीं खर्च करने के लिए। सो मतलब ये सही बात है, मजाक में नहीं कर रहा, सोशियोलॉजी पढ़ोगे तो ऐसा ही होता है ट्रेडिशनल जो भी सोसाइटीज है। यहाँ पे क्या है कि गवर्नमेंट कितना खर्च करेगी, पहले कोई लॉ नहीं था, लेकिन बाद में एक एक्ट आया और उस एक्ट को हम बोलते हैं FRBM, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट। ठीक है, इसके अनुसार इसका एक टारगेट था कि हमारा फिस्कल डेफिसिट हो जाना चाहिए 3%, कब तक? बाय 2022, और हम पहुंच भी रहे थे 3.8 पे आ गए थे शायद, और पहुंच जाते, बट ड्यू टू कोविड आप तो देखते कितना ही हो गया, तो इस डेटा को थोड़ा सा याद। ठीक है, और पता है क्या है इस, अच्छा अब आपने एक लॉ बना के इसको लिमिट कर दिया, बट कभी इमरजेंसी हो तो कुछ क्या होना चाहिए, इस लॉ ने फ्लेक्सिबिलिटी दे रखी थी कि भैया अगर कोई दिक्कत हो जाए तो फिस्कल डेफिसिट को सिर्फ कितना बढ़ा देना, 0.5% बढ़ा देना,
कैन यू इमेजिन, बट किसी ने भी ये तो सोचा ही नहीं होगा ना कि इतनी बड़ी वो आ जाएगी इमरजेंसी की, आपको 6 महीने के लिए देश ही बंद करना पड़ जाएगा ऑलमोस्ट। तो फिर तो आप देखिए कि होना चाहिए था 4 हो जाता, लेकिन बढ़ के कितना हो गया, 9.5%। इसीलिए आपने देखा ना हमारी जो भी विजडम होती है वो प्रीवियस हमारी हिस्ट्री के ऊपर होती है। तो पहले विजडम थी कि बस 3 करो, और पिछले साल भी गवर्नमेंट बहुत ज्यादा लोन लेके कर सकती थी, लेकिन जब कोविड हुआ तब समझ में आया कि नहीं भाई 9 तक बढ़ गए। और बहुत सारे एक्सपर्ट ये बोल रहे थे कि सरकार इस टाइम पर में ग्रोथ चाहिए, लोन लेने के खर्च करो देश में, बहुत गरीब पॉपुलेशन है, फिस्कल डेफिसिट को बढ़ रहा है, बढ़ने दो, कोई दिक्कत नहीं है, अभी आप बढ़ा सकते हो थोड़ा बहुत। अमेरिका जैसी सोसाइटी क्रेडिट पे चल रही है, मतलब कभी और इसको समझाऊंगा इस टाइम पर। ये एफआरबीएम से मुझे आया सर, वो इंटरनेट थोड़ा लैग हो रहा था, प्लीज एक बार रिपीट कर दीजिए। एफआरबीएम कुछ नहीं है, एफआरबीएम ये बोलता है कि आप कितना इस डेफिसिट को बढ़ा सकते हैं। ये तो एफआरबीएम ने पहले इसको बोल रखा था कि 3 तक लेके जाना है, क्योंकि पहले हमारा ज्यादा था डिमोनेटाइजेशन के टाइम पे, फिर ये थोड़ा बढ़ गया था 4 के आसपास तक हो गया था, तो इसको कम करना है 3 सस्टेनेबल। ठीक है, सी ये क्या होता है ना, कुछ इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स है, 2-3 प्रिंसिपल ऐसे ही बन गए। जैसे ये माना जाता है कि मतलब आपकी इनकम है 50,000 पर मंथ, तो आपके ऊपर कितना डेट होना चाहिए, तो किसी ने बोल दिया 1:1 का रेशो है कि आप 50,000 हर महीने का डेट ले लो सस्टेनेबल। तो ऐसे ही था, आपकी GDP का अगर 3% तक डेट है तो ठीक है, लेकिन ये बढ़ा हुआ था तो FRBM ने बोला इसको कम करना है। बट अगर कोई इमरजेंसी आ जाए, आपको अर्जेंटली खर्च करना पड़ जाए, लड़ाई हो जाए, तो इसने बोला है कि कोई दिक्कत नहीं है, 0.5% तक बढ़ा देना खर्चा। बट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इस बार कितनी बड़ी पेंडेमिक आ गई कि इसको आपने 6.5% तक बढ़ा दिया, क्योंकि ये तो किसी ने भी प्रिडिक्ट ही नहीं करा था ना कि 6 महीने तक पूरे देश को क्लोज करना पड़ जाएगा। ठीक है, यस सर। सर FRBM के एक बार फुल फॉर्म भी प्लीज रिपीट कर दीजिए। फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट। ओके, थैंक यू सर। ये तो बड़ा बेसिक सा है कि भूल भी जाओ जस्ट गूगल में, तो ये 4-5 इंफॉर्मेशन होगी और कभी आ रहा है। अच्छा, इन्होंने बोला है कि अब देखिए होता क्या है, आप जितना भी एक्सपेंडिचर कर रहे हो, एक एक्सपेंडिचर होगा नॉन डेवलपमेंटल, जो सिर्फ दूसरा होता है डेवलपमेंट, इसको कैपिटल भी बोलते हैं। आपके पास 50,000 रुपये आते हैं और आपने 40,000 रुपये खर्च कर दिए क्लोथिंग पे और पार्टी करने में, डिनर करने में, एक्सेट्रा, इससे आपका डेवलपमेंट नहीं होना। लेकिन उस 10 आपने निकाले हैं, अपने स्किल पे खर्च कर रहे हैं, अपनी एजुकेशन पे खर्च कर रहे हैं, अपने आप को ऊपर ले गए, तो इसको बोलते हैं डेवलपमेंटल। तो आउट ऑफ 34 जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो 4 लाख का है, रफली 4 लाख, जो आपका इट्स लाइक कि जो आप कर रहे हो एजुकेशन पे खर्च कर रहे हो, इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च कर रहे हो, ये हेल्थ पे खर्च कर रहे हो, ये तो ये याद रखो। अच्छा, ये आप सभी को पता है, इन्होंने बोला है कि भैया अगर सीनियर सिटीजन है, 75 से प्लस की एज है, और अगर उनके पास इनकम का सोर्स या तो पेंशन है या इंटरेस्ट है, तो उनको ITR फाइल करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी ये 2 अगर आता है ना तो इतना डिजिटलाइज हो गया, ऑलरेडी गवर्नमेंट के पास डेटा है, ऑलरेडी डेटा है, तो गवर्नमेंट ऑलरेडी ITR फाइल करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि इनकम टैक्स मत दो, वो खुद डिडक्ट हो जाएगा और फाइल मत। ठीक है, यस सर। अच्छा, ये तो इनको पता ही है कि इंदिरा आवास योजना सुना है आपने, इंदिरा आवास योजना,
इसके दो कंपोनेंट है अर्बन और रूरल। हाउसिंग फॉर ऑल गवर्नमेंट ने बोला था 2022 तक सबको पक्का मकान दे देंगे। क्या लग रहा है, मिल गया मध्य प्रदेश में सबको पक्का मकान? हाँ सर। नहीं मिला है तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, कुछ नहीं किया है, जस्ट एक टैक्स इंसेंटिव दिया है कि आपको 1.5 लाख तक का आपकी इनकम, जैसे 6 लाख तक कोई टैक्स नहीं है आपकी इनकम में, तो फर्दर अगर आपने 1.5 लाख रुपए इंटरेस्ट में पे किए हैं तो वो भी टैक्स फ्री कर देंगे। अभी कॉन्सेप्ट मत समझो, बट कहीं पे आ जाए 1.5 लाख रुपए इनकम टैक्स में एक्सपेंड कर दिए हैं इंटरेस्ट पे, तो बस हाँ मार्क कर देना और इस पर कुछ नहीं पूछना। और इन्होंने एग्रीकल्चर सेस लगा दिया, ये मैंने बताया आपको। यस सर। अच्छा एग्रीकल्चर सेस इन्होंने और बहुत सारी चीजों पे लगाया। यस सर। बहुत सारी मेजर चीजों पे इन्होंने एग्रीकल्चर सेस लगाया, एक बार सुन लेना तो ये, क्योंकि एग्रीकल्चर न्यूज में है तो दैट्स व्हाई आई डू नॉट वांट टू मिस एनी पॉइंट रिगार्डिंग एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर क्या लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, व्हाट इज द सेस? बताओ यार, डिस्कस किया था नहीं सर? ने ज्वेलरी से जो ज्वेलरी सेस था वो बताया था बस। सो इन लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस्ड अबाउट व्हाट इज अ सेस, सो डिटेल में नहीं हुआ था पर थोड़ा बहुत हुआ था एडिशनल टैक्स। सेस क्या होता है कि बस दो पॉइंट याद रखने हैं कि सेस स्पेसिफिक पर्पस के लिए लिया जाता है, उसको आप कहीं और पे खर्च नहीं कर सकते। यस सर। हमारे देश में तो बड़ी दिक्कत चल रही है, कैग ने भी बोला है कि कैग ने भी अपनी रिपोर्ट में ऑडिट में बोला है कि जब से नई सेंट्रल गवर्नमेंट पावर में आई है ये बढ़ा रही है, ज्यादा सेस लगा रही है। उसका इफेक्ट क्या हो रहा है कि जो स्टेट गवर्नमेंट को आप टोटल टैक्स कलेक्शन में से देते हो, क्योंकि सेस का पैसा स्टेट के साथ आप शेयर नहीं करते, तो आप इनडायरेक्टली जो अगर आप टैक्स लगाते तो स्टेट को 42-41% देना पड़ता अकॉर्डिंग टू 15th फाइनेंस कमीशन, लेकिन सेस का पैसा तो आपको देना ही नहीं पड़ता, तो ये गवर्नमेंट सेस लगा दिया एडिशनल। अच्छा एग्रीकल्चर सेस और इन्होंने किस पे लगाया है, इन्होंने अल्कोहल पे लगाया है, नंबर याद करने की जरूरत नहीं है, 2.5% गोल्ड पे लगाया है याद रखना, और एप्पल वेप्पल छोड़ो उस पर तो इतना डिटेल में नहीं पूछेंगे, बस याद रखना। अच्छा ये देख लेता इस बार क्या हुआ था, जीएसटी से रिलेटेड मैं आपको बता दूं, जीएसटी ठीक है टैक्स है, जीएसटी के अंदर में जो जिन बच्चों ने पहले से पढ़ा होगा उनको पता होगा जीएसटी के अंदर में तीन टैक्स है, सीजीएसटी नॉर्मल अगर आप देखेंगे आपको ये दो तो मिलते ही मिलते हैं। जीएसटी का अगर कहीं पे 18% होगा तो आप देखेंगे 9 यहाँ पे लग रहा है, 9 ऐसे तो ये वाला तो सेंटर के पास जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सीजीएसटी, एसजीएसटी जाएगा स्टेट के पास। बट अगर आपका ये तब है कि वो प्रोडक्ट उसी स्टेट में बना हो उसी में बिक गया, पर अगर वो प्रोडक्ट आपका बना यूपी में है और वो जाके आपका बिक रहा है असम में, तो असम में अगर बिक रहा है तो अभी तीन स्टेट आ गए, तो असम में जब वो बिकेगा तो सीजीएसटी लगेगा, एस लगेगा, सी ले जाएगी सेंटर, एस ले जाएगी असम। आई क्या है, आई जीएसटी लगता है, आई जीएसटी अगर कहीं पे लगा है इसका मतलब इस प्रोडक्ट में, इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में अगर आई जीएसटी लगा है तो ये प्रोडक्ट बना एक स्टेट में है और सेल दूसरी स्टेट में, एक स्टेट मैन्युफैक्चर हुआ है लेकिन दूसरी स्टेट में सेल हुआ है, या आप ये भी बोल सकते हैं कि जिस स्टेट में बिक रहा है उसमें बना नहीं है, बना किसी और स्टेट में, तो आईजीएसटी उस स्टेट को मिलता है जिसमें ये बना है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, मैं मान रहा हूँ कि आपको पता है। अब था क्या, इनिशियली जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट थी वो बड़ी इनसिक्योर थी, तो गवर्नमेंट ने 5 ईयर के लिए बोला कि टेंशन मत लीजिए, 5 साल के लिए हम आपको टैक्स की गारंटी देंगे कि जितना आपको टैक्स पिछले साल मिला है जीएसटी से पहले उतना मिलेगा, प्लस ग्रोथ, अगर आपके टैक्स में हर साल जीएसटी से पहले 10% की ग्रोथ थी तो हम आपको ग्रोथ भी प्रॉमिस कर रहे हैं।
अब हुआ क्या, अब कोविड से पहले दिक्कत चल रही थी जीएसटी का कलेक्ट, आप देखो मैंने मान लिया लेकिन उसका मैकेनिज्म बना, तो ये वो मैकेनिज्म है, इन्होंने एक फंड बना दिया जीएसटी कंपनसेशन फंड, और इसका पैसा आएगा सेस लगता है जीएसटी के ऊपर भी, और उस सेस का नाम था जीएसटी कंपनसेशन सेस। अच्छा ये कहाँ पे लगता था, ये लगता था आपका जो आप 28% वाले प्रोडक्ट खरीदते, मेनली जो सिम गुड होती है, सिम आइटम बोलते हैं, जैसे आपका जिनको सरकार नहीं चाहती कि ज्यादा लोग कंज्यूम करें टबैको, तो अगर आप टबैको ले रहे हैं 28% जीएसटी लगा प्लस जीएसटी कंपनसेशन सेस लगा, इसका पैसा जाएगा जीएसटी कंपनसेशन फंड में, और ये पैसा स्टेट को मिल जाएगा अगर उनका शॉर्टफॉल जितना सेंटर ने प्रॉमिस किया था उससे कम। अब इसको मेरा बताने का पर्पज ये था, यू शुड नो व्हाट इज जीएसटी कंपनसेशन सेस एंड व्हाट इज जीएसटी कंपनसेशन फंड, अरे 5 ईयर के लिए बोला था और 5 GST होता है, कैसे कौन सी आई गेस क्लियर हुआ होगा, कोई डाउट नहीं होगा। जी बताइए कोई डाउट था, क्लियर है या भी कंफ्यूजन है? सर ये जीएसटी कंपनसेशन फंड कब बना था जो आपने 5 ईयर्स के लिए बताया? मतलब जब जीएसटी आया था ओके तभी तो बना होगा, ये था तो 2017 में जीएसटी आया था, और जब जीएसटी आया था जीएसटी बाय अ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया था, मतलब 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। ओके सर, तो देखो ये बजट का हो गया पूरा, बट मैं थोड़ा सा आपको बजट का कुछ बेसिक बता देता हूँ, कुछ बेसिक मतलब जो बहुत ही थोड़ा सा रिलेवेंट है। बजट से रिलेटेड तो पहला तो ये है कि इस आर्टिकल को याद मत करना, आर्टिकल 110 बोलता है सेंट्रल गवर्नमेंट से कि भाई आप एक पार्लियामेंट में लोकसभा में प्रेजेंट करना है, आपको क्या प्रेजेंट करना है, ये मैं आपको जो ये आर्टिकल 110 बोल रहा है ना उसका मतलब समझा रहा हूँ। डेफिनेटली यू ऑल्सो नो दैट कि आर्टिकल 10 इस लैंग्वेज में बात नहीं कर रहा है, तो मैं आपको समझाने वाली बात बता रहा हूँ कि लोकसभा में प्रेजेंट करना, क्या प्रेजेंट करना, एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कि आपके पास कितना पैसा आया और आपने उस पैसे को कैसे खर्च किया, कब प्रेजेंट करनी है, व्हेन, तो इसने बोला है कि भैया बिफोर द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। अब ये फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, आपकी ये हो गया 1 अप्रैल और यहाँ पे हो गया 31 मार्च, ये एक फाइनेंशियल ईयर होता है, कॉन्स्टिट्यूटर ने सिर्फ ये बोला इससे पहले कभी भी प्रेजेंट नहीं, तो हम क्या कर रहे थे ट्रेडिशनली टिल 2016 तक हम प्रेजेंट करते थे लास्ट वर्किंग डे ऑफ फेब को हम प्रेजेंट करते थे, और वो कब होता था, जब भी होता था। 2017 में इन्होंने क्या किया, इन्होंने प्रेजेंट किया 1st वीक ऑफ फेब, तो ये आप कभी भी प्रेजेंट कर सकते हो, ऑलमोस्ट टाइम पे बड़ा डिस्प्यूट हुआ था क्योंकि 2017 में फेब या मार्च में यूपी में इलेक्शन थे योगी आदित्यनाथ वाले, तो यूपी में इलेक्शन थे तो इन्हें लगा कि सरकार बजट में कुछ ऐसा अनाउंस कर दे जिससे यूपी को फायदा हो, यूपी के वोटर मेजोरिटी बीजेपी को कर दे,
इन्होंने बोला था कि इस बजट को बाद में अनाउंस करो, तो इलेक्शन कमीशन के पास गए थे, दिक्कत हुई थी बच्चों। अब आप याद रखना कि बजट सिर्फ लोकसभा में आ सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन में बजट टर्म मेंशन नहीं है, बजट मेंशन नहीं है तो हम बोल देते हैं नॉर्मल डे टू डे ह्यूमन लैंग्वेज में, जो टर्म मेंशन है थोड़ा सोफिस्टिकेटेड है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कब प्रेजेंट करना होता है, बिफोर द फाइनेंशियल ईयर, एनी टाइम प्रेजेंट कर सकते हो। बजट मेकिंग मैं नहीं बताऊंगा, 2017 में हमने फर्स्ट फेयर को फर्स्ट वीक में किया, फर्स्ट वीक में किया, और इस बार कब किया, डेट याद किसी बच्चे को? सो फर्स्ट वीक में कर दो कुछ पे, तो फर्स्ट वेव कोई फिक्स डेट नहीं है, कभी लेट भी किया है तो कभी भी आप। दूसरा था कि इन्होंने पहले रेलवे बजट अलग था, रेलवे बजट को मर्ज कर दिया जिसके साथ जनरल बजट। एक और टर्म आप सुनते हो बजट से रिलेटेड होता, एक होता है जीरो बेस्ड बजटिंग, सुना है आपने कभी? No, sir. एक आपने सुना है जेंडर बजटिंग, ये कुछ नहीं, अलग अलग टर्मिनोलॉजी है। जब भी आप बजट का टोटल एक्सपेंडिचर देख रहे हैं, हम उसमें जेंडर डायमेंशन भी दें कि वुमेन स्पेसिफिक आपने कितना खर्च किया है, तो आपको पता चलेगा कि वुमेन स्पेसिफिक तो खर्च ही नहीं किया है। तो जेंडर बेस्ड जब आप बजटिंग करते हो, आपकी फैमिली में भी बजट है, जब आप जेंडर बेस्ड बजटिंग करते हो तो आप ध्यान रखते हो कि आपकी फैमिली के जो फीमेल मेंबर है आप उन पे कितना खर्च करते हो, ये कम तो नहीं है, जस्टिफाइड है, तो ये थोड़ा सा है, तो आप थोड़ा सेंसिटिव होते हो। जैसे कल को ये बोल देंगे कि भैया चिल्ड्रन बजटिंग तो नहीं है, थोड़ा क्या बोलूं मैं, लेट्स से जस्टिस डायमेंशन ऑफ बजटिंग, तो जस्टिस इसको दोगे, सीनियर सिटीजन को दोगे, पर्सन विद डिसेबिलिटी को दोगे, एससी को दोगे, एसटी को दोगे, तो ये जस्ट आपको एक मैकेनिज्म बना देता है कि पता तो चलेगी कितना आपका है। जीरो बेस्ड बजटिंग क्या होता है कि हमारे देश में पहले हम क्या फॉलो करते थे कि डिफेंस मिनिस्ट्री को इस बार मिले हैं 70,000, पिछले बजट में 60, इस बार चलो सबका 10% बढ़ा, इस बार इसको 70 दे दो, अगले बार फिर 85 दे दो, ऐसे ही बढ़ाते थे। ये जीरो बेस्ड बजटिंग में हम क्या करते हैं, इस बार 60 दिया, अगली बार फिर हम इसके खर्चे जीरो से इवेल्युएट करेंगे और फिर देखेंगे कहाँ पे पहुंचता है, अगर इसको 90 भी चाहिए तो ज्यादा दो, इस बार इसको 50 चाहिए तो 50 दो। अब ये समझ में नहीं आया तो ये है कि आप पीजी में रहते हो, पेरेंट्स आपने बता दिया कि मेरा 20,000 महीने का खर्चा है, पेरेंट्स आपको 20 दिए जा रहे हैं, थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन ऐड करके कि थोड़ी महंगाई हो गई है, फर्स्ट ईयर में 20 थे, सेकंड में 25 है। जीरो बेस्ड बजटिंग में है कि आपके पेरेंट्स ने एक महीने 20 दे दिए, अलग महीने फिर आपसे पूछेंगे बेटा इस महीने का खर्चा बताओ, यू विल से इतना रेंट है, इतना एजुकेशन पे, इस बार इतने यहाँ पे खर्चे हो गए, तो पता चला इस बार तो 15 में ही काम चल गया, 15 दे देंगे। अगले महीने आपके आपने बोला ये कोचिंग के देने पड़ गए, अगले महीने आपको 25 दे देंगे। तो विच इज बेस्ट, कन्वेंशनल वे या जीरो बेस्ड बजटिंग, कौन सा अच्छा है? सर जीरो बेस्ड। तो समझ में आ गया जीरो बेस्ड बजटिंग क्या है? यस सर। जीरो बेस्ड बजटिंग में आप ट्रेडिशनल जो लास्ट ईयर आपको दिया गया है उसको बेस नहीं मानते हो, आप दोबारा से सारी चीजें इवैल्यूएट करते हो, जो एक अच्छी प्रैक्टिस है। हमारे देश में अगर आप पॉलिसी मेकिंग पे देखेंगे कैसे कैसे खर्च किया गया, तो पहले यह था कि एक स्कीम पे दे दिया 50,000 करोड़ रुपए, इफेक्ट नहीं आया, चलो इस बार 60 दे दो, ठीक है ना, तो बहुत ही था, मतलब मैं टेक्निकली कभी समझाऊंगा तो हम कभी ध्यान दे देते इफेक्टिवनेस पे, कभी देखते हैं एफिशिएंसी पे ध्यान देते हैं, तो कोई अच्छी डायरेक्शन में नहीं था, तो मतलब ठीक है फिर आगे आउटकम ओरिएंटेड होना चाहिए, बहुत सारी बात है। तो ये हो गया आपका, एक दो पॉइंट और मैं देख रहा हूँ, एक बार आप भी रिवाइज कीजिए फटाफट 2 मिनट में, अगर यू गाइस थिंक कि कुछ लग रहा हो कि पूछना है।
सर बजट में एक जगह पे नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन कुछ दिया हुआ था वो बहुत सारी और भी टेक्निकल था वो मैंने समझाया नहीं था और ऑलरेडी मैं एक चीज समझा चुका था वो था नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन वो समझा चुका था तो ठीक है अवॉइड कर दो उसको ज्यादा टेक्निकल है इतना नहीं पूछे सर पर नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन जो आप अभी बोल रहे हैं तो रिपीट कर सकते हैं प्लीज ये आपको मेंशन मिलेगा वो जो मैंने पीडीएफ दी थी नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन इसमें क्या है गवर्नमेंट ने बोला है कि वी विल इन्वेस्ट कितना था 100 लाख करोड़ था आई गेस 100 लाख करोड़ इन 5 ईयर ओके जी अच्छी बात है कर देना पैसा कहाँ से आएगा प्राइवेट सेक्टर भी आएगा गवर्नमेंट भी आएगी और सेंट्रल गवर्नमेंट भी आएगी और स्टेट गवर्नमेंट भी आएगी और इसमें रेशो आई गेस था 39 39 और कितना बचा 22 बचा ना 22 ये रेशियो था तो बस इतना रखना इसमें अभी इन्होंने बोला है कि लगभग आई गेस 7500 प्रोजेक्ट है जो इससे फाइनेंस होंगे अगले 5 साल में तो इसमें फंड आएगा अब देखते हैं सरकार भी करेगी प्राइवेट कितना इंटरेस्टेड होकर करता है और गवर्नमेंट कितने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को करेगा ओके ठीक है थैंक यू सर ठीक है आज की क्लास में मैं इतना ही करा रहा हूँ ज्यादा नहीं करा पाऊंगा सो नेक्स्ट क्लास कल क्लास होगी जिसमें मैं आपको डिस्कस कराऊंगा इकोलॉजी उसका करंट और प्लस स्टैटिक थैंक यू सर उसके बाद जो भी क्लास होगी उसमें आपका कोविड होगा प्लस कोविड तो जल्दी हो जाएगा प्लस वैक्सीन वाला मैं कोविड कराऊंगा तो वैक्सीन वाला मैं करा दूंगा वैक्सीन ये जितनी भी डेवलप हुई है और उस वायरस के बारे में भी थोड़ा आपको साइंस एंड टेक पॉइंट ऑफ व्यू से बता दूंगा प्लस मैं इसमें आपको करा दूंगा स्पेस तो अगली मैं 2 क्लास इस पे रखूंगा और इन दोनों क्लासों की टाइमिंग मुझे भी श्योर नहीं है कब रखूंगा ये तो 100% कुछ भी हो जाए कल होगी होगी किसी भी टाइम में हो चाहे रात के 10 बजे हो या थोड़ा लेट भी कर दूं ये मैं पक्का करूंगा ही करूंगा ये मैं देखता हूँ कि मैं कब करूँ ये वाली क्लास संडे को करूँ या मंडे आज क्या है कल क्या है कल फ्राइडे है ना Yes, sir. कल फ्राइडे कल ये हो गया तो yes, ये वाली क्लास फिर हाई पॉसिबिलिटी है कि इसको मैं सैटरडे को ही कर दूं एंड आई विल ट्राई कि इन दोनों क्लासेस को मैं 2 घंटे की कम से कम करूं क्योंकि अब जो बोलना है मतलब वो करना ही है पूरा तो चाहे क्लास 2 घंटे की एक्सटेंड हो जाएगी ये मैं करा दूंगा और 2 घंटे में मैं ये करा दूंगा प्लस जो आपका नेशनल का बचा हुआ ये दो क्लास आपकी फ्राइडे को हो गई नेक्स्ट हो गई सैटरडे को Yes, sir. संडे को फिर आप सभी लोग करना रिवीजन जितना भी आपको पढ़ाया है और इसमें मैं थोड़ा सा आपको और भी चलो बहुत सारी ये भी मैं आपको बता दूंगा जैसे कुछ क्या कहते हैं कुछ होते हैं आपके डिजीजेस के बारे में भी मैं आपको बता दूंगा मिशन तो कुछ वैक्सीन से रिलेटेड है मिशन इंद्रधनुष है उसमें क्या क्या कवर कर रहे हैं तो बेसिक मैं आपको सारा बता दूंगा बट इन दोनों ही बहुत ज्यादा मैं आपको पढ़ाऊंगा बस नोट डाउन करते रहना एंड 2 घंटे की है और तबीयत ठीक रही तो मैं इनको 2 घंटे तो लूंगा ही थोड़ा और भी एक्सपेंड कर दूंगा बट आई विल ट्राई कि ये दोनों आपके कवर हो जाएं जल्दी से ठीक है हेलो सर हेलो जी 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 बैठो सर बोल रहा हूँ नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर से जो देखा था इसको थोड़ा एक बार रिपीट कीजिए ना काइंडली सर बात नहीं समझा दोबारा से समझाइए हाँ सर सर क्वेश्चन नहीं समझा आपका मैं अरे सर हम ठीक से समझ के एक बार रिपीट कीजिए ना कर ले हमको ठीक से समझा नहीं इसको सर किसको नहीं नहीं सर एक क्वेश्चन जो लिखा ना आपने सर थोड़ा टॉपिक थोड़ा एक बार रिपीट कीजिए कर ली सर शायद वो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन की बात कर रहा है हाँ यस सर नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर लिखा था ये मानो कि ये हो तुम यहाँ पे लक्ष्मण और ये बन गए देश के प्रधानमंत्री अब इन्होंने एक स्पीच दिया कि मैं एक नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन बनाऊंगा पाइपलाइन ये एक स्कीम है ये एक स्कीम है इसमें फंड जाएगा इस स्कीम में और
उस फंड को देंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, स्टेट देगी और प्राइवेट सेक्टर देगा, तीनों लोग पैसा लगाएंगे, कितना लगाते हैं वो एनालिसिस देखना होगा। और इसमें हम क्या क्रिएट करेंगे, 100 लाख करोड़ के हम इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे, 100 लाख करोड़ का हम इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे इन 5 years। ये इस स्कीम का एम है, कितना कर पाती है वो देखना होगा, समझे? ओके सर जी। अब मुझे लग रहा है कि वो एग्जाम के 10 दिन रह रहे हैं, आप सभी लोग दिन रात मेहनत करके पढ़ रहे होंगे, तो मुझे लग रहा है टाइमिंग कोई आपके लिए इशू नहीं होगा कि इस टाइम क्लास लग रही है, इस टाइम नहीं, अगर लेट नाइट लग रही है तो कोई व्हाट आई एम थिंकिंग कि क्लास लग जाए, ऐसा ना हो कि मैं बोल रहा हूँ कि, क्योंकि पहले भी बहुत सारी ऐसी थी कि मैं लेट नाइट 11 बजे अवेलेबल हूँ तो मैं तो ले लूंगा, और इवन मैं भी तुमसे ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ, मैं भी इतनी जितनी तुम कर रहे हो उतनी मेहनत कर रहा हूँ, ज्यादा कर रहा हूँ, तो यू कैन डू दैट। तो आई विल ट्राई कि चाहे 11 बजे भी ले लूँ, मतलब 11 होगा नहीं, 10 पे ही होगा, बट आई विल ट्राई कि दोनों दिन क्लास हो जाए एट एनी केस। ठीक है, तो ये वाली हो गई आपकी, ये हो गई एक, तो दूसरी हो गई कोविड, इन दोनों को मैं ऊपर नीचे भी कर सकता हूँ, कल कोविड वाली ले लूँ एक बार देख लेता हूँ क्या क्या बताना है, परसों वो ले लूँ, लेकिन फ्राइडे और सैटरडे में ये मैं आपका करा दूंगा, ये मेरी तरफ से है, एंड आई विल ट्राई की ये बिल्कुल देखो 99.99% श्योर है, 100% मैंने बोला नहीं, 100% कोई भी शॉर्ट नहीं हो सकता, ठीक है? Yes sir. Yes sir. Okay. Again, if you guys want to ask anything, you may ask again. Questions practice करो जितना ज़्यादा हो सकता है, दिन में revise करो, आराम से बैठ के revise करो, Google Images को use करो, Google Image इतनी अच्छी चीज़ है, कोई भी चीज़, even मैं आपको बताऊँ, National Infrastructure Pipeline को search करो, image में तुम्हें कोई logo वोगो सा दिख जाएगा, वो ही याद रह जाएगा। कोई भी चीज समझ में नहीं आ रही, सीधा गूगल इमेज पे जाओ, ये आपको पिक्टोरियल लर्न कराता है, पिक्टोरियल मेमोरी एस्टेब्लिश हो जाती है जो लंबे समय तक चलती है, तो ये इमेज खोल के रखो, जिस भी चीज को भूल रहे हो उसको थोड़ा ऐसे आप करो, ठीक है गाइस? मेरे एक दूसरी क्लास है 9:15 से, फिर वो एक दो घंटे वहां पे पढ़ाना, उनको भी बच्चों को जल्दी बगाऊंगा, ठीक है? So guys, good night. Thank you, sir. Okay, sir. Thank you, sir. Good night. Thank you, my friend.